Bill Cut. वेलकम बैक गाइस। तो आज हम टेम करने जा रहे हैं गैलीमिमस को, जो वन ऑफ द फास्टेस्ट लैंड डायनासोर्स हैं ये गेम में। तो इसको टेम करना भी, मतलब इसको एक्चुअली गोला करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर एक्चुअली मैं थोड़ी देर पहले एक गैलीमिमस को देखा था, तो वही ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, ये देखिए सामने में है, ये लेवल 2 है, 150 इसका जो हेल्थ है। गाइस इसको जो है ना, कम से कम मतलब मेरा हिसाब से 3-4 गोला में ही सक्सेसफुल होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसका जो मूवमेंट स्पीड है वो बहुत ही मतलब फास्ट है, और इसका जो जो डायरेक्शन में जा रहा है ना वो अनप्रेडिक्टेबल है। कभी कभी घूम जाता है, कभी सीधा जाता है, मतलब हम बोल नहीं सकते हैं कि ये क्या करेगा। अच्छा चलिए, फाइनली ये ट्रैप हो चुका है, अब इसको डार्ट में ही मारेंगे। मुझे नहीं लगता कि 3-4 शॉट से ज़्यादा ज़रूरत था, या 2 में ही नॉकआउट हो जाता है। ये लिखे 2 में ही नॉकआउट हो गया। बस गाइस आपको इतना ध्यान रखना है कि गैलीमिमस का जो टॉर्पर लेवल है बहुत ही तेजी से कम होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इसका जो टॉर्पर लेवल है वो बहुत फास्ट से कम होता है। तो मैं मेरा बर्ड को वहाँ पर लेके रहता हूँ, क्योंकि मेरा बर्ड में ही मैं नारकोटिक्स अभी रखा हूँ, स्टोर किया हूँ। मतलब आपको गाइस कम से कम 40 से 50 या 60 तक भी आपको जो है नारकोटिक्स का ज़रूरत पड़ सकता है। मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता हूँ कि इतना ही का मतलब इतना से ही काम हो जाएगा, एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूँ। देखिए इतना जल्दी इसका 75% टॉर्पर लेवल घट गया, मतलब ये बहुत ही जल्दी इसका टॉर्पर लेवल ड्रॉप होता है। तो इसको जो है ना आप स्टार टेम नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप इसका अगल बगल में एक ट्रैप लगा दें, मतलब इसको अनकॉन्शियस करके ट्रैप लगा के जो है छोड़ दें, उसके बाद में वो उसका मतलब हंगर लेवल कम हो, वो दूसरा बात है, अलग बात है। लेकिन इसे ओपन में जो है ना आप इसको स्टार टेम नहीं कर सकते हैं। आप इसको नॉकआउट करते ही तुरंत इसका फीडिंग स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि इसका फीडिंग ज़्यादा देर नहीं लेता है, क्योंकि ये यू नो बेरी वगैरह खाता है, तो ये जल्दी ही मतलब टेम हो जाता है। बस इसका टॉर्पर लेवल जो है वही उसके ऊपर आपको ध्यान रखना होगा। तो गाइस गैलीमिमस का ये एडवांटेज है कि अगर आपको एक्सप्लोरिंग करना है, मतलब बहुत सारे केव्स वगैरह ढूंढने हैं, या मतलब बहुत सारा जगह जाना है जहाँ पर थ्रेट बहुत ज़्यादा है, आप जो है गैलीमिमस को यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी एक्चुअली उसका एंग्राम मतलब इसका जो सैडल है वो अनलॉक कर रहा हूँ। ये देखिए गैलीमिमस सैडल, यही हमको चाहिए, और ये स्मृति में ही मतलब क्राफ्ट होता है। तो क्योंकि मेरा मतलब अर्जेंटाविस बगल में है, तो अर्जेंटाविस तो चलता फिरता स्मृति ही है, यही है गैलीमिमस का सैडल। देखिए अब हम देख लेते हैं कि इसको क्या क्या चाहिए, और इसको मैं क्राफ्ट भी कर लेता हूँ जब तक इसका टेम हो जाता है 100%। तो गाइस मतलब इसको जो है टेम करना उतना ज़रा मुश्किल नहीं है, आसान ही है। बस मतलब आप पहले इसको ट्रैप कर लें, बाकी काम तो आसान ही है, मतलब कोई बड़ा बात नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं कि आप कोई रेक्स ना हो टेम करो। तो गाइस अभी तो मैं वेट कर लेता हूँ मतलब इसका पूरा टेम होने के लिए, बाद में मैं दिखा लूँगा कि इसका जो है वॉकिंग स्पीड वगैरह क्या है।
तो गाइस देखिए अभी ऑलमोस्ट ये हो चुका है, मतलब इसका मुझे लगता है कि ये लास्ट फीडिंग होगा। अरे भाई रुक गया भाई, चल चल जल्दी चल, टाइम वेस्ट मत करा। हाँ मतलब ये लास्ट फीडिंग आ चाहिए, देखिए हो गया। हाँ जी हाँ, शायद लैग था इसलिए वो इसे दिखा रहा था। देखिए गाइस अर्जेंटा भी इसका ऑलमोस्ट नो हाइट में आता है, लेकिन इसका जो पैर है वो बहुत ही लंबा है। तो चलिए गाइस अभी इसको फटाफट जो है इसका सैडल पहना देते हैं और देखते हैं कि इसका जो स्पीड है वो क्या है एक्चुअली, क्योंकि ये लेवल 2 है तो मतलब इसका ज़्यादा मतलब अभी स्पीड मेरा हिसाब से तो नहीं होगा, क्योंकि हमको इसको डेवलप करना होगा इसका स्पीड और वेट। तो गैलीमी मस्को दो ही होता है कि आप उसका वेट और स्पीड बढ़ाते रहिए। अगर आप चाहते हो तो इसका जो है स्टैमिना भी आप बढ़ा सकते हैं। चलिए इसका मैं अपग्रेड कर देता हूँ वेट, क्योंकि इसका भी बहुत कम वेट है। चलिए इक्विप कर दिया। तो चलिए गाइस इसको बैठ के देखते हैं कि इसका जो है स्पीड क्या है एक्चुअली। मतलब वॉकिंग स्पीड भी खास है, मतलब ऐसे बहुत स्लो नहीं है, वॉकिंग स्पीड भी अच्छा है, रनिंग स्पीड भी बहुत अच्छा है गाइस, मतलब बहुत फास्ट दौड़ता है। हाँ और ये जंप भी कर सकता है और बहुत लॉन्ग जंप्स मारता है। तो पानी में देख लेते हैं कि इसका जो है स्पीड क्या है, मतलब इसका स्विमिंग स्पीड। अच्छा मतलब इसका स्विमिंग स्पीड जो है वो थोड़ा स्लो है, मतलब ज़्यादा फास्ट नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं एडजस्ट हो जाएगा। और गाइस इसका स्पेशलिटी है कि इसका जो सैडल है ना, इस पर आपका जो है 3 लोग बैठ सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही आदमी बैठेगा, यू नो 3 लोग बैठ सकते हैं आप। तो ये मतलब बहुत सारे अलग टेमिंग में भी मतलब आपको मदद कर सकता है, जैसे पैरासर हो गया या कोई भी मतलब डेंजरस डायनोस को अगर आप टेम करना है तो इस पर बैठ के आप जो है टेम कर सकते हैं, आप और आपको फ्रेंड अगर आप मल्टीप्लेयर में खेल रहे हो तो। तो गाइस आज के लिए इतना ही है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। Oh,